वाले बाबा की जय बोल। परम प्रभु भगवान की जय बोल। परम पूजाचार्य श्री चैत्य सागर महाराज की धर्म स्नेही महानुभावो विश्व प्रसिद्ध विश्व विख्यात अतिशय क्षेत्र बाड़ा पदमपुरा प्रबंध समिति परिवार समस्त महानुभावों का समस्त पुण्यार्जक परिवारों का समस्त दर्शकों श्रोताओं का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। महानुभावों नीचे पट्टी पर चल रहे नंबरों पर संपर्क करके अपनी बुकिंग किसी भी प्रकार से दान राशि आदि के माध्यम से अतिशय क्षेत्र बाड़ा पदमपुरा से जुड़कर सौभाग्य प्राप्त करें, पुण्यार्जन करें। आइए अभी से प्रारंभ करें। जैसे कि मोबाइल के द्वारा मीडिया के द्वारा आज सब लोगों को मालूम है कर्नाटक साउथ के अंदर परम पूज्य आचार्य कुंतु सागर जी महाराज के शिष्य श्याम कुमार नंदी महाराज की जिसे हत्या कर दी गई है। उनके एक जानवर के भी जिसका टुकड़े नहीं करते हैं उससे ज्यादा टुकड़े मां मुनिराज श्याम कुमार नंदी महाराज के कर दिए। मैं ओम मिराज को सन 81 से जानता हूँ। शास्त्र गुजरात समय शिखर जी में जब मैं छुलक था और उस समय उनके आचार्य जी द्वारा दीक्षा हुई थी। ऐसी निर्दोष हत्या की गई है कि जिसकी जितनी भी निंदा करे जितना भी कुछ शब्दों में कहेंगे वो कम है। आज हम वो आत्मा जहां भी विराजमान हो जहां भी रही हो उसको सुख शांति मिले और कर्मों की निंदा करते हुए पुनः मनुष्य पर्याय को धारण करे माँ व्रत को धारण करे और माँ व्रत धारण करके मुक्ति को प्राप्त करे। उनकी शांति के लिए आज हम पदम भगवान के पाद कुंड में शांति धारण करेंगे। सभी लोग ये भावना बार भगवान ये मुनिराज के साथ में जो घटना जो दिगम्बर मुनिराज के साथ में ये घटना घटी हाँ मुनिराजों के ऊपर उत्तर भी जरूर हुए। जल्दी जल्दी सीढ़ी रख दी गई 700 मुनिराजों को घाटी में फैल दिया गया लेकिन एक एक अंग के इस प्रकार के टुकड़े करे हुए ये टुकड़े देखने के बाद में आप कहेंगे कि भगवान कैसे उसकी हिम्मत होगी कैसे उसका मन हुआ होगा किस प्रकार से उसने क्या होगा। हे भगवान सुख शांति मिले। जहां भी हमारे मुनिराज गए हो उन्होंने तो नहीं कराया उस तरह को किरण छूष रंध्रि प्रस्वेद ताप मल मुक्ति मी प्रकेश भक्त्या जलेर जिन पति बहुधा भी सिंचे ओ श्रीमंत भगवंत कृपाल संतंत्र स्वामी महावीर पर्यंत कदम प्रभु की फिंगर विश्व प्रसिद्ध विश्व विख्यात अतिशय क्षेत्र बाड़ा पदम पर मंदिर आचार्य श्री चैत्य सागर महाराज के सत्संग सानिध्य प्रथम स्वर्ण कलशकर्ता परिवार श्रेष्ठ श्री शेखर जी महानसीय मंजीत प्रतीक जी आयु चीजन छावड़ा परिवार हाथ पीपल्या मध्य प्रदेश निवासी आयुष जी दिग्वेश जी मोक्ष जी निर्माण जी जैन अशोक जी प्रदीप जी मनोज जी पवन जी जैन छावड़ा पाटनी परिवार मध्य प्रदेश निवासी की ओर से प्रथम स्वर्ण कलशाभिषेक करो मैं ओम देव श्री क्लीम क्लीम अरहम श्री पद्म प्रभ स्वामी प्रतिमा परि श्रेष्ठ श्री संतोष जी भागचंद जी जैन समस्त जैन परिवार टीकमगढ़ मध्य प्रदेश निवासी की ओर से द्वितीय स्वर्ण कलशाभिषेकम करो ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम अरम श्री पद्म प्रभ स्वामी प्रतिमो परि श्रेष्ठ स्वर्गीय श्री जिनेन्द्र कुमार जी लोहिया विजय रानी जी संजीव जी राजीव जी चित्रांक जी एकांत जी युवांश जी जैन लोहिया परिवार भिंड मध्य प्रदेश निवासी की ओर से तृतीय स्वर्ण कलशाभिषेकम करो मी श्री पद्म प्रभ स्वामी प्रतिमो परि श्रेष्ठ श्री दिग्वेश जी मोक्ष जी निर्वाण जी मनन जी रजत जी महत जी जैन गंगवाल धर्मचंद्र जी आशाबाला जी देवेंद्र जी अंजलि जी मयूरी जी अतिशय जी मोक्ष जी निर्वाण जी जैन पांडे परिवार जैन मध्य प्रदेश निवासी की ओर से चतुर्थ स्वर्ण कलशाभिषेकम करो मैं ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम श्री पद्म प्रभ स्वामी प्रतिमो परि श्रेष्ठ श्री मनोज कुमार जी गोविंद दास जी मधुर जी मुस्कान जी कुलदीप जी वीरेंद्र जी यश जी दीप जी सौम्या जी जैन समस्त जैन परिवार टीकमगढ़ बुंदेलखंड निवासी की ओर से पंचम स्वर्ण कलशाभिषेकम करो मी ओम नमो
अनुसार आचार काम करती है। श्रीमती कुमार देवी जिला सचिव कृष्णा सचिव कंधा इंदौर के साझा करता सपरिवार सपरिवार इसी आयकर से आप सभी का निधानम ओम ह्रीम महाशांति धरय महामस्तक अभिषेकांति ब्रस्वाति विदंतेभ्यो नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। बाबा आए तेरे द्वार हम पे दृष्टि दया की लगा दो एक बार। ओ जल चंदन अक्षत पुष्प ने बजे आदि मेला मैं अष्टद्रव्य से पूज पाओ सिद्ध सेला। बाड़ा के पदम जिने से मंगल रूप सही काटो सब क्लेश महेश मेरी अर्जी यही। हम पे दृष्टि दया की लगा दो एक बार। ओम ह्रीम विश्व प्रसिद्ध विश्व विख्यात अतिशय क्षेत्र बाड़ा पदमपुरा की पावन मूल धना पर विराजमान भूगर्भ से प्राप्त मूल नायक महातिशय करी साक्षात विराजमान श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्र नमः अर्घ्य हम निरूपामिति।